देखो उधर बाबर आजम ने एक और 100 बना दिया, 58 बॉलों में 100 बनाया एक और न्यूजीलैंड T20 मैच ने एक बार फिर बड़ा धमाका कर दिखाया। बाबर आजम का छक्का बल्ला सेंचुरी ठोक बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 10 बॉल पर चौका ठोक अपनी सेंचुरी कमाई। 5 फुट हवा में लगाई छलांग, फिर मैदान पर चीखे चिल्लाए बाबर आजम, तूफानी शतक जड़कर खास अंदाज में मनाया जश्न। बाबर ने एक बार फिर बल्ले से कहर बरपाया और शानदार सेंचुरी ठोक डाली। बाबर आजम ने मैच की आखिरी बॉल पर अपना शतक पूरा कर लिया। 2021 में शतक मारना, 2022 में शतक मारना और अब 2023 शतक मारना उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाना है। इस बल्लेबाजी के सामने आज हमें हार मानना है। बाबर आजम जैसा खिलाड़ी इस तरह की बल्लेबाजी करे तो आपके पास करने को बहुत कुछ रह नहीं जाता है। और जबकि दूसरे मुकाबले में भी किवी टीम ने पाक टीम के सामने घुटने टेक दिए। बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे उन्होंने शतक लगाया, साथ ही साथ रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा और मुकाबला जीतकर MS धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। भाई तो फिर बताओ यार, दमदार खेलता है और बाबर आजम ने खेल के दिखाया। अगर बाबर का पिछले 3 सालों में अगर आप देखें, राहुल भाई लगातार उन्होंने शतक पे शतक लगाया। पिछले बाबर आजम ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो पारी रही है वो एक तरीके का स्टेटमेंट भी रहा उन तमाम लोगों के लिहाज से जो लगातार बाबर आजम पर सवाल उठाते हैं। राहुल भाई, कल बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। जी हाँ, कल बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में 101 रनों की नाबाद पारी खेली, 58 गेंद में 101 रन बनाए, 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से बहुत ही कमाल की पारी खेली। आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान बन चुके हैं। बाबर आजम के तारीखी कारनामे पर दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे हमसाया मुल्क भारत से क्या रद्द अमल आ रहा है। बाबर आजम की मुसलसल 3 सेंचुरियों के बाद दुनिया के क्रिकेट में कोहराम आ चुका है। वीडियो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। वीडियो को आप स्किप कर जाते हैं दरमियान में से फुल वीडियो देखा करें ताकि आपका मुकम्मल रिएक्शन की समझ आ सके। तो आइए दोस्तों बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम चलेंगे वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट पर पहली बार आए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जो है वो बाबर आजम ने 2023 में भी ठोक। बाबर आजम की शतक और मोहम्मद रिजवान के शतक का असर ये रहा कि पाकिस्तान ने 192 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। और इन दूसरे T20 मैच में बाबर और रिजवान ने दिखाया कि पाकिस्तान के लिए वो सबसे सटीक ओपनिंग जोड़ी कैसे है। बाबर और रिजवान ने ये दिखाया कि शुरुआत कैसे की जाती है, और यूं ही नहीं उन्हें पाकिस्तान में इतने बड़े खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। और आज दोनों ने उस पिच पर जहां पर तेज गेंदबाजी को मदद मिल रही थी ताबड़तोड़ शुरुआत करी। जबरदस्त बल्लेबाजी मोहम्मद रिजवान की तरफ से, बाबर आजम की तरफ से, और इसका असर यह हुआ कि बाबर आजम ने मैच की आखिरी बॉल पर अपना शतक पूरा कर लिया। यह शतक इस लिहाज से खास है क्योंकि बाबर आजम का यह तीसरा T20 शतक है और कप्तान होने के नाते 2021 में शतक मारना, 2022 में शतक मारना और अब 2023 में शतक मारना उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाता है। पिच से तो मदद मिल रही थी, लेकिन जब बाबर आजम जैसा खिलाड़ी इस तरह की बल्लेबाजी करे तो आपके पास करने को बहुत कुछ रह नहीं जाता है। और इस बल्लेबाजी के सामने आज हमें हार माननी पड़ी। 34 गेंद पर 50 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने और 58 गेंद पर 101 रन बनाए बाबर आजम ने, लेकिन बाबर आजम ने मारे 3 छक्के और 3 छक्के जबरदस्त शॉट थे। खासतौर पर जो एक ऐसे मारा था वो बढ़िया शॉट था, क्योंकि आज दोनों सेलिब्रेशन जो बड़ा दिलचस्प था। इंडिया में विराट कोहली ने जो सेलिब्रेशन किया वहां पर भी जबरदस्त सेलिब्रेशन था, कुछ नया फ्लेवर दिख रहा था। और पाकिस्तान में बाबर आजम ने भी जब शतक पूरा किया आखिरी बॉल पर, तो आमतौर पर जो बाबर भी थोड़े काम कूल कंपोज माने जाते हैं उनका एग्रेशन उनका गुस्सा दिखा। और वो बेन स्ट्रोक तो नहीं कहा, लेकिन जो फीलिंग दे रहे थे वो एक्चुअली बेन स्ट्रोक वाली ही थी। बाबर आजम से पूछा गया कि यार आप इतना ज्यादा आज जो एग्रेसिव थे इसके पीछे माजरा क्या, क्या आपने उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जो आपको टुक टुक एकेडमी का स्टार प्लेयर बता रहे थे। तो बाबर ने कहा कि आप कह भी सकते हैं कि ये उनको जवाब था, हालांकि मुस्कुराते हुए कहा, सरकास्टिकली कहा। लेकिन बाबर आजम का ये कहना था कि इस पारी से वो खुश है। शुरुआत उन्होंने तेज की थी, बीच में थोड़ा सा वो स्लो हुए थे क्योंकि लगा हारिस रऊफ जो हैं उनका न्यूजीलैंड से इश्क जो है वो कुछ ज्यादा तगड़ा हो गया, क्योंकि हारिस रऊफ की मैं 4-5 बेस्ट परफॉर्मेंस देख रहा था। और जो गौर करने वाली बात मुझे नजर आई वो ये कि हर बार जब हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अलग लेवल की हो जाती है। तो
पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आसानी से जीत लिया, और जैसा मैंने शुरुआत में प्रेडिक्ट किया था कि ये सीरीज जो है 5 मैचों की, मुझे लगता है कि पाकिस्तान 4-1 से जीत जाएगी। बाबर आजम ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो पारी रही है वो एक तरीके का स्टेटमेंट भी रहा उन तमाम लोगों के लिहाज से जो लगातार बाबर आजम पर सवाल उठाते हैं। राव भाई नहीं यार, एक तरीके से मान लिया था कि यार बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है यार, एक वो बल्लेबाज जो 3 सेंचुरी T20 में अब तक लगा चुका है। आप देखो ना, बाबर आजम को कितना क्रिटिसाइज करते भी है सब कि उनका स्ट्राइक रेट का इशू रहता है, जब बंदा कोई सेंचुरी लगा रहा है ना भाई तो फिर मतलब यार वो दमदार खेलता है, और बाबर आजम ने खेल के दिखाया। अगर बाबर आजम को आप इस टीम से हटा दो तो फिर पाकिस्तान की टीम की हालत आपने देखी थी ना, अफगानिस्तान के लिए क्या हो गई थी। आजम और मोहम्मद रिजवान के बिना ना T20 में भी उस तरीके की टीम नहीं है। तो यार बाबर आजम की जितनी तारीफ करें उतनी कम, जो पारी उन्होंने आज खेली यार 101 रन नॉट आउट रहे वहां पर, वो पारी अपने आप में बहुत खास रही है बाबर आजम के लिहाज से। आपने देखा कि पिछले 3 सालों में अगर आप देखें राहुल भाई, लगातार उन्होंने शतक पे शतक लगाया। पिछले सीजन में उनका T20 में शतक आया था, इंग्लैंड के खिलाफ शतक आया था, इस बार भी उनका शतक आ गया। वो जो बार बार सवाल उठाते हैं बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर, हम भी बात किए बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर, लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट है बाबर आजम का, उनका ना बाबर आजम का अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है उनका जो सवाल है खुद से ही रहता है। आज की हम पारी की बात करते हैं, आपके बाबर आजम ने 101 रन करे 58 बॉल्स में, 11 चौके 3 छक्के, 174 का स्ट्राइक रेट है। तो से बी टीम जो है न्यूजीलैंड की, वो उनकी बल्लेबाजी है, बॉलर तो उनके आपके देखे मेन वाले ही है ना, आप सुन ले क्योंकि ये गेंदबाज ऐसा नहीं कि बहुत हल्के गेंदबाज है वहां पर। आपने देखा पहले यार, मैं कह रहा हूं मैट हेनरी आपके पास है, सिपली आपके पास है, बेन लिस्टर आपके पास है, जिमी निसम आपके पास है, पारी बनते कि बाबर ने जिस तरीके से अपनी पारी को यूटिलाइज किया वहां पर। बिल्कुल बाबर की पारी, और आप देखिए रिजवान की भी पारी पर, बाबर आजम हो गए आपके, विराट कोहली हो गए वहां पर, उन्हें पता कि पारी को अपनी इनिंग्स को बिल्ड कैसे करना है, बिल्ड करना है। बाबर आजम देखिए, बाबर आजम पर आप कितना भी सवाल उस तरीके से उठा लो, लेकिन जब वो खिलाड़ी रन करेगा तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। और जिस तरह निराशा हुई ना, मैंने सोचा था न्यूजीलैंड कुछ फाइट देगी, ऐसे आप हारोगे, आप यार आप हैरिस राउत को खेल नहीं पाओगे। आप बाबर की कैप्टनसी की भी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरीके से बाबर ने अपने बॉलर को भाई लगाया, उनसे बॉलिंग करवाई, हारिस बॉलिंग यार इनके साइन साफरीदी, हारिस राउत यार, सदाब खान, तो भाई ये टीम है ना, ये बात खुद ही है, हैरिस राउत ने जबरदस्त गेंदबाजी कर ली, ये हमें एशिया कप रहेगा। वही चीज डराने वाली है कि भाई उनकी बॉलिंग लाइनअप कैसी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैच की T20 सीरीज चल रही है, जिसका पहला मुकाबला पाकिस्तान ने जीता, जबकि दूसरे मुकाबले में भी कीवी टीम ने पाक टीम के सामने घुटने टेक दिए। बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, उन्होंने शतक लगाया, साथ ही साथ रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा और मुकाबला जीतकर MS धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस जीत के हीरो हैरिस राउत भी रहे, जिन्होंने तूफानी गेंदबाजी एक बार फिर से की। जिस तरीके से बाबर आजम ने बल्लेबाजी की, शतक लगाया, अपनी टीम को जिताया, और बाबर आजम के शतक के बदौलत ही टीम ने 192 रन बनाए थे। इसी के साथ बाबर आजम ने अब बतौर कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि बाबर आजम T20 में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले कप्तान बन चुके हैं। बाबर आजम के नाम अब 3 सेंचुरी हो चुकी है, इससे पहले रोहित शर्मा के नाम 2 सेंचुरी थी। तो शतकों के मामले में बाबर आजम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। अगर बतौर कप्तान ये मुकाबला जीत कर बाबर आजम ने MS धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि बतौर कप्तान T20 में अब बाबर आजम जो है सबसे ज्यादा जीत के मामले में नंबर 1 कप्तान बन चुके हैं। बाबर आजम के सारे कप्तान जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम अभी भी खेल रहे हैं, और एक मैच जीतते ही बाबर आजम सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले T20 के बतौर कप्तान सबसे पहले नंबर पर आ जाएंगे। अब देखना होगा कल बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर